हर घर चुपचाप से ये कहता है कि अंदर इसमें कौन रहता है, किस हस्ती की हुई इस घर से शुरुआत, किन लोगों ने थामा था उनका हाथ। सुनते हैं सितारों की जुबानी उस घर की अनोखी कहानी, क्योंकि हर घर कुछ कहता है। बचपन कितना अलड़ और मासूम होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें कितनी बड़ी खुशी दे जाती है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक दुआ ये ज़रूर करता है कि काश वो बचपन एक दिन के लिए ही सही उसकी ज़िंदगी में ज़रूर लौट कर आए। एशियन पेंट्स हर घर कुछ कहता है मैं आज मैं आपको जिनके घर ले जाने वाला हूँ, उनका बचपन कुछ ऐसा ही था। इन्होंने सबसे पहले गली क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शीशे तोड़ने का रिकॉर्ड बनाया था। बड़ौदा के दुलारे, देश के चहेते, करोड़ों लड़कियों के दिल की धड़कन, जी हाँ, इरफान पठान। बड़ौदा के एक छोटे से इलाके मांडवी में पैदा हुए इस लड़के की कहानी किसी मिसाल से कम नहीं है। 19 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया और अगले ही साल ICC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि मोहल्ले की नाक में दम करने वाला ये खब्बू प्लेयर एक दिन अपनी खेल से देश का नाम रोशन करेगा। आज हम मुलाकात करेंगे उस घर से जिसने इरफान को बनाया। गणेश साहब, अरे कैसे हैं? वेलकम। आपको आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं क्रिकेट शुरू कर देता हूँ। सर बच्चों के साथ खेल रहे हो, हमारे साथ खेल लो। आप बॉलिंग करेंगे? हम कर देंगे बॉलिंग। हाँ ठीक है, यहाँ पे हेलमेट है क्या? मेरे पास हेलमेट। इरफान भाई रहने देते क्या बात है, बुरे नहीं है आप? नहीं 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 सर, मैं बिल्कुल सीधे बैट के साथ, सीधे बल्ले के साथ। बल्ला भी नहीं सर, ये छोटा है सर, यही तो हम इसी से तो खेलते थे हम। सर इसे तो कपड़े भी धोए जाते हैं, इसे धोखा कहते हैं। अच्छा। मतलब हमारे यहाँ धबड़ी धबड़ी कही जाती है इसे। अच्छा। कपड़े धोने की, कपड़े धोने वाले। एक बार मुझे याद आ गया, इससे हमारी पर नानी जिनकी अभी फौत हुई है, जब भी मुझे देखती थी ये धोखे के साथ, ये नहीं होता था लेकिन बल्ला होता था, लेकिन उनको दिमाग में होता था कि ये धबड़ी है, जो प्रॉपर जो हमारे बल्ले होते स्टिकर विकेट लगाए हुए पॉलिश वगैरह, तो कहती है यार तू कोई काम करता नहीं है, धबनी लेके बाहर निठल्लों की तरह खेलते रहता है, तू जाके ऊपर जाके ना गेहूं साफ करते। पुरानी कहावत है सर, घर की मुर्गी दाल बराबर। इरफान साहब ये आपका पहला पवेलियन और ये आपका पहला क्रिकेट पिच, क्या मायने रखता है आपकी ज़िंदगी में? जो भी हम लोग क्रिकेट खेले या सीखे हैं, जो हमारी लाइफ गुजरी है पहले इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से पहले, यहीं से गुजरी है। यू नो बचपना यहाँ पे गुजरा है, जो भी यादें हमारी छोटी बड़ी जितनी भी अच्छी यादें, सारी यादें यहीं से जुड़ी हुई है। तो एक सुकून है यहाँ पे, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, जो अपना होता है वो तो खैर अपना होता ही, घर घर ही होता है, घर घर ही होता है। मैंने सुना आप यहीं आसपास कहीं रहते थे? हाँ, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है घर, करीबन 3 या 4 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। अकेले ही चले थे जाने बेमंजिल हम, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ये मोहल्ला इरफान के लिए उनके परिवार जैसा है, यहाँ हर छोटा वाक्या एक बड़ा सा फसाना बन जाता है। समझे मैं? बस अल्लाह का। क्या चल रहा है? इधर जाना है ना हमें? ये हमारी इस्माइल चाचा की बेकरी है, जो हमारे पुरानी यादें हैं। इस्माइल चाचा ये बताइए कि ये आपकी दुकान में क्या खाने आते थे? ये अक्सर केक, पेस्ट्री, क्रीम रोल के, जैसे आपको बताऊं ये क्रीम रोल बहुत पसंद करते थे, अभी आज भी इंशाल्लाह ये खाएंगे। आज तो हुआ है, तो ये दोनों मैं खा लूंगा। कितनी बार आपका ये गेट तोड़ा है इन्होंने? हाँ काफी बार टूटता था, इनकी मेन पिच ये थी, जो मेरी ये लॉबी है। हाँ। सबसे पहले इन्होंने खेलना यहीं शुरू किया। अच्छा। प्रेसिडेंट साहब आ जाते थे तो दरवाजा खोल के अंदर भी चले आते थे, प्रेसिडेंट साहब आ गए अभी लॉबी में देखेंगे हमको खेलते हुए, इस्माइल चाचा दरवाजा खोलो, तो जब से खोल के अंदर छुपाते भी थे। हाँ, इनको भी छुपाते भी थे, अपना शीशा भी तोड़ने देते थे, इनको छुपाते भी थे। सब लोग चाहेंगे कि इस्माइल चाचा जैसे ही पड़ोसी मिले सबको। सही बात।
कितना खुशनसीब है वो बचपन जहाँ आपका मोहल्ला आपके घर जैसा हो और आपके मोहल्ले वाले आपके रिश्तेदार। बहुत ही कम लोगों को मिलता है ऐसा प्यार। अच्छा ये बताइए कि एक मस्जिद के हाते में आपका और यूसुफ के बचपन का गुजरना कितना मायने रखता है? मस्जिद का जो माहौल रहता है ये प्योर माहौल रहता है। कहते हैं ना कि बचपन सबसे बेहतरीन लाइफ का एक हिस्सा होता है, तो हमारी लाइफ का सबसे बेहतरीन जो हिस्सा था वो यहीं से गुजरा। हम चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाएं लेकिन आना हमें यहीं पे है। ये हमारे पिच हुआ करते थे, वहाँ पे बैटिंग करते थे, वहाँ से बॉलिंग होती थी। ये थोड़ा बहुत रनअप भी है जो वहाँ पे आने जाने का एरिया है, तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि नमाज का जो वक्त हो उस वक्त में हम लोग ना खेलें। तो जैसे ही भीड़ कम होती थी हम लोग शुरू हो जाते थे। बार बार गेंद अंदर जाती थी यहाँ पे गार्डन में, डायरेक्ट गेंद अंदर चली गई तो आउट है। अच्छा तो आउट है। हाँ तो आउट है। तो कोशिश करना होता है कि आप सीधा खेलें। इसके अलावा अगर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे ना ये जो रस्सी है ना ये एक्चुअली नाड़ा है, तो नाड़े को हम लोग करीबन इतना रखते थे, उसमें गेंद लगाते थे, सॉक्स में गेंद लगा के उसको बांध देते थे और यहाँ पे हम लोग नॉकिंग करा करते थे। ये आपको बताया किसी ने? कि ये हमारे कोच ने बताया था। अच्छा। बशीर शेख था, मैं उन्हें आज भी मिस करता हूँ, उनके मैं बड़े क्लोज था। तो आज भी मुझे एक अगर रंज है, कोई गम है मुझे, तो वो ये है कि वो मुझे और मेरे भाई को इंडिया खेलते हुए नहीं देख पाए। हम आपके घर, चलिए हम आपको अपना घर दिखाते हैं। यहाँ कितने सालों बाद आ रहे हैं आप? नहीं यहाँ पे मैं अभी इंग्लैंड जब गया था हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, तो मैं यहीं से आके गया, नमाज पढ़ के गया। मैं यहाँ पे जब भी कोई बड़े टूर्नामेंट में खेलता हूँ तो यहाँ पे आके जाता हूँ। घर तो वही पुराना है लेकिन कुछ यादें एकदम नए अंदाज से कर रही हैं इरफान के आने का इंतजार, जिसकी खबर इरफान को भी नहीं है। मस्जिद के गलियारों में क्रिकेट खेलने वाले इरफान आज अपने अतीत से हमारी मुलाकात करवा रहे हैं। बचपन का घर दरवाजे खोल कर इंतजार कर रहा है और साथ ही इंतजार कर रही है कुछ पुरानी यादें तरोताजा होने के लिए। हेलो सर, वेलकम टू माय चाइल्डहुड होम। यहाँ पे जहाँ पे हमारा बचपन गुजरा है, ये जो घर है ये हमारे लिए बहुत बड़ा घर था, इसलिए कि इससे पहले जो घर में हम रह चुके हैं जो उस सामने की तरफ था मस्जिद के, वहाँ पे एक्चुअली घर के अंदर वॉशरूम की फैसिलिटीज़ नहीं थी तो हमें बाहर जाना पड़ता था। तो जब ये घर में आया तो हमारे लिए बहुत बड़ा घर था, तो बेसिकली यहीं पे टॉयलेट, यहीं पे वॉशरूम, किचन, ये और ये हमारा घर। छोटी छोटी शैतानियों की बड़ी बड़ी सारी यादें संजो के बैठा है ये घर, और हर उस शरारत को बांटने के लिए बेताब है ये घर। चलिए तेरी सर जी कमाल ही करती है। सारी जो रिश्ते इसमें दिखाई दे रहे हैं और जितनी सारी यादें छुपी हैं, इसको मैं आपको ले जाने नहीं दूंगा, बड़े अच्छे से आप लोगों ने किया हुआ है। इतना ही घर था पूरा? ये पूरा घर है, बेडरूम कह लीजिए, हॉल कह लीजिए, ड्राइंग रूम कह लीजिए, सब यही है। 5 लोग रहते थे, मैं, मेरी बहन, मेरा भाई और अम्मी अब्बा, 5 लोग रहते थे। और जब रिश्तेदार आते थे तो जाहिर सी बात है इस घर में कैसे सोते थे, तो हम लोग चद्दरें होती है जो नीचे बिछाने के लिए, चद्दरें बिछाते थे और यहाँ पे सो जाते थे। करीबन 7-8 लोग तो सो जाते थे आराम से, मतलब सिकुड़ के लेकिन सो जाते तभी भी, लेकिन कम्फर्टेबल था। तो सिर्फ मेरे वालिद फिर मस्जिद में जाके सोते थे। ये इत्र का शौक किसको? सारी बोतलें हैं ये, इसमें पापा इत्र बेचा करते थे, तो पापा ने बहुत सारे काम किए हुए हैं। एक्चुअली ये पैसे के लिए इतना नहीं करते थे पापा, लेकिन पापा को शौक था। और ये थोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट के बॉल है, जब मैं पहला मैच खेला था वनडे इंटरनेशनल तो वो बॉल ऐसे ही रखा हुआ है, हो गई है। ये हेलमेट एक बार मुझे कास्परोविच का बॉल लगा था, इस पर बाउंसर लगा हुआ था। यहाँ से थोड़ी सी टेंट है तो ये मैंने हेलमेट थोड़ी संभाल के रखी हुई है, तो इसको ऐसी हालत में रख छोड़ी है। ऑब्वियसली ये हमारे भाई साहब है, देखिए छोटा भाई बड़े भाई को उठा रहा है। इतने हल्के कि आप उसको उठा रहे हैं? या तो मैं इतना मजबूत हूँ, तो ये आप बता देना हमारे भाई को। फास्ट बॉलिंग का ये सब असर है। नहीं फास्ट बॉलिंग मैं इसीलिए भी करवा रहा हूँ, काफी मेहनत की है मैंने। साइकिल भी, जैसे ये किस्सा तो बड़ा फेमस है कि साइकिल भी जब हमारे 4 रूट हुआ करते थे, घर से हमें जाना होता था स्कूल, सो एक रूट हुआ, स्कूल से ग्राउंड जाना होता, 2 रूट हुए,
वो ग्राउंड से हम हमारे जो खुद के जो कोच थे उनको मिलने जाया करते थे प्रैक्टिस खत्म होने के बाद। सो तीन रूट हुए, फिर वहाँ से घर आना हुआ, सो बेसिकली हो गए चार रूट। एक साइकिल होती थी, अब वो एक साइकिल में दो दो दोनों भाई है, दो भाई है, तो एक भाई दो रूट चलाएगा, एक भाई दूसरा रूट पे चलाएगा। मैं तीन रूट चलाता था साइकिल, और भाई साहब बैठे बैठे बड़े हैं तो अपनी मनमानी करते थे, तो पीछे बैठे रहते थे। तीन रूट हम चलाते थे और एक रूट भाई साहब चलाते थे। उसमें हमेशा हमारा झगड़ा होता था, लेकिन फास्ट बॉलिंग का फायदा भी है कि आपके पैर मजबूत हो जाते हैं। मुझे लगा कि पहले किसी ने कहा है कि फास्ट बॉलर बनना है तो तीन रूट में चला। जिस घर पर दो भाइयों की एक साथ बड़े होने की इतनी सारी यादें हों, वो घर कभी अपनी खुशी बयान करने से थकता नहीं होगा। ये बताइए कि इस घर में आप कब तक थे? जब मैं ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके आया 2003 एंड में, तो बेसिकली 2004 हो गया था, तो 2004 अर्ली को मैंने हम लोगों ने ये घर छोड़ा। मेरी 19 साल की लाइफ यहाँ पे गुजरी है इस घर में। इतने छोटे से घर में दो बहुत ही एक्टिव लड़के जिनको बस भूत सवार है क्रिकेट खेलने का, तो क्या धमा चौकड़ी होती थी यहाँ पे, ये बताइए। ये वैसे घर तो छोटा है क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन फिर भी अब जब लत लगी हुई ना किसी चीज़ की, तो वो लत जाना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे ही पापा बाहर निकले घर के और अम्मी थोड़ा खरीद फरूद करने गए, अगर हम दो अकेले हैं घर में, तो हम क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे। आपको वो दिख रही है तिजोरी, उसका जो कांच है जो अभी तक टूटा हुआ है, वो टूट गया था हमसे खेलते हुए। तो पापा आए, थोड़े नाराज़ हुए, फिर पापा ने कहा कि अब एक काम करिए, ये तिजोरी को ना, ये कांच को हम बनाएंगे नहीं, जब खुद कमाने लगोगे ना अच्छे से ज़्यादा पैसे से, तो ये बनवा लेना। तो अभी तक नहीं बनवाई, अभी तक वैसे ही रखी हुई है। इतनी तोड़फोड़ आपने की इस मोहल्ले में, इस घर में, आसपास, आई एम श्योर की शिकायतें आई होंगी। नमाजियों की शिकायतें आती थी, नमाजियों की। माँ का गुस्सा बड़ा कम है, वालिद को जाहिर सी बात है दो तीन जगह पे काम करते थे, थके हुए होते थे, तो जब थके हुए थे तो हमें डर लगता था कि ये अगर थके हुए, अगर हमने कुछ ऐसी हरकत की तो ये गुस्सा करेंगे, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा डरते थे। जिस दिन वो गुस्सा भी करते थे, हम भाग जाते थे, मैं और मेरा भाई हमेशा पहले भाग जाता था, मैं हमेशा हाथ में आता था उनके, क्योंकि मैं कोशिश करता कि मैं ना भागूं, और जब तक भागने की कोशिश करता था तब तक लेट हो जाता था, पकड़ लेते थे मुझे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों की लड़ाई में पिटता ज़्यादा मेरे पैर स्ट्रांग है, उनके हाथ ज़्यादा स्ट्रांग है। लड़ाई, हाँ, लड़ाइयों में क्या होता है कि हाथ जिसकी ज़्यादा स्ट्रांग है वो ज़्यादा जीतता है, क्योंकि जब तक आप पैर उठाओ तब तक तो हाथ लग चुका होता है। पैर तो भागने के लिए, भागने के लिए तो हम भाग जाते थे। आप बहुत बड़े घर में अभी आप हैं, आपके वालिद साहब यहाँ पहले खिदमत किया करते थे, आपका जो सक्सेस रहा है वो मतलब जग जाहिर है, सबने देखा है, लेकिन आप बार बार यहाँ आने की ज़रूरत? मेरे वालिद वालिदा हमेशा कहते थे कि आप कितने भी बड़े बन जाओ, ग्राउंडेड हमेशा रहना, अपनी चीज़ों को मत भूलना, और हमेशा बड़ों से इज्जत से बात करना, और बेसिकली पैर ज़मीन पे रखना। जाहिर सी बात है, हमारे वालिद वालिदा ने, पेरेंट्स हैं हमारे, तो उनका इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ पे पड़ा है, तो आज मेरा, मेरे भाई का यहाँ पे आना जाना लगा रहता है वो इसीलिए। इरफान पठान आज भी अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं, उनकी तहजीब और परवरिश ऐसी है कि वो कितनी भी सफलता हासिल कर लें, उनकी जन्नत उनके वालिद वालिदा के कदमों में ही रहेगी। किसी ने सच ही कहा है कि जब ऊपर वाले का साथ और माँ बाप का सर पर हाथ हो तो बुलंदी हासिल करने का हौसला मिल ही जाता है। आप खुदा की खिदमत करते थे, कभी आपको लगा ऐसा कि शायद आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते या थोड़े ज़्यादा पैसे होते ताकि अपने बच्चों का जो सपना है, जो उनका ख्वाब है? ना, ऐसा तो अभी था बच्चे को कि भाई अपने तो मस्जिद के झाड़ू मारने वाले हैं, अपनी तनख्वाह तो क्या है, 200-250 पगार है, और ये जो गेम है क्रिकेट, ये मालदारों की गेम है। वो ज़माने में 5,000-10,000 की कीमत के बूट आते थे, मैंने कहाँ से लाएंगे, मेरे पास से 50 रुपये ले जा रहे इरफान, अब्बा 50 दो मुझे बूट लाना है। तो हमारे यहाँ फ्राइडे शुक्रवार बाज़ार भरा था, तो जूने बूट लाता था इरफान, और घर में लाके उसको जो गोदड़े सीते उससे वो सीता था। तो मैं उसको बोलो कि तू भाई इस सुबह से सी रहा है, बार मोची है, ले जाता, बोले नहीं मैं सी नाखता हूँ। वो इतनी पहले से इसमें सादगी थी दोनों भाइयों में, और सादगी अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है। अगर इनकी मेहनत ना होती, जो दुआएं ना होती, अच्छे काम ना होते, क्या पता अगर वो क्रिकेट ना खेलने देते हमें। लेकिन इस बात का हमें बखूबी ख्याल है कि
जो भी हम आज मिले हैं, ये इनके जो नेक काम है उनका बदला हम बच्चों को मिला है। रिश्तों का रंग गहरा होता है, इबादत का जब उस पे पहरा होता है, जो सुकून घर पर अपनों के साथ मिलता है उस खुशी का रंग सुनहरा होता है। सर जी, कमाल ही करती है। इरफान ने मोहल्ले में किन घरों के शीशे तोड़े, मस्जिद में कहां नॉकिंग की प्रैक्टिस की, कौन से घर में अपने बचपन के खूबसूरत पल बिताए, ये सब तो हमने देखा। अब हम चलेंगे वहां जहां इरफान का परिचय वर्ल्ड क्लास क्रिकेट से हुआ, और वो जगह है बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन। हम अचानक बहुत ही पॉश मोहल्ले में पहुंच गए। ये क्रिकेट का फाइव स्टार है ना ये यहाँ पे। दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड, मतलब इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए इससे बेहतरीन ग्राउंड आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। 13 साल का था मैं यहाँ पे जब मैं आया पहली बार। और आप और यूसुफ पहली बार साथ में ही आए हैं? हाँ, पहली बार साथ में ही आए। हम लुक फॉरवर्ड करते थे कि हम लोग जहाँ पे स्कूल का वक्त जो हमारा वक्त होता था वो खत्म हुआ, कि हम पहला जो साइकिल ली वो सीधा यहाँ पे। अगर कोई रणजी ट्रॉफी का मैच हो गया तो हम लोग देखने के लिए भी बड़ा एंजॉय करते थे। उस वक्त ऐसा लगता था कि मतलब एक नई जर्नी शुरू हो रही है। उस वक्त ऐसा लगता था कि कहाँ आ गए हम ऐसी जगह पे, क्योंकि फैसिलिटीज़ वो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है ना। एक्साइटमेंट अगर ज़िंदगी में हो तो ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि जब ये इरफान और यूसुफ पहली बार जब आपके सामने दो बच्चे खड़े हुए थे तो आपको कुछ याद है? हाँ बेशक, क्योंकि इसके फादर मेरे पास लेकर आए, दोनों भाई पतले दुबले क्या मासूम से थे, और ये दोनों बच्चों के अंदर इतना लगन, इतनी कुछ करने की तमन्ना थी। इसका जो हाइट था, बॉडी जो था, पतला दुबला था ये, तो ऐसा लग रहा था कि जैसा जैसा ये बड़ा होगा तो मेरे ख्याल से ये अच्छा बॉलर बनेगा, क्योंकि नेचुरल इसके पास है। तो ये इरफान आज तुम्हारे सामने है, वो नेचुरल गिफ्ट थी और अपनी उसकी मेहनत थी, आज वो इस मकाम पे पहुंचे। सर के लिए बैट बड़ा लग रहा है। बोलो, आपके क्लब में कोई बच्चा टाइम पे नहीं आया, आपकी बात नहीं माना, कुछ ऐसा अगर उसको सिखाना हो तो क्या सजा क्या देते थे यहाँ पे? ये रोलर जो बड़ा हुआ है ना, ये रोलर करवाते थे, अकेला रोलर खिंचवाते थे, कि जो पिच होती है, मैटिंग पिच होती थी जिसके ऊपर मैट लगाते हो आप, पहले उसको आपको रूलिंग करना पड़ता था ताकि लेवल हो जाए, तो उसमें करीबन 45 मिनट लग जाती थी, वो करना पड़ता था अकेले। लकीली हम दो भाई होते थे, साथ में होते थे, तो हम साथ में रूलिंग करते थे, ये अकेले दोनों उठवाते थे, सर बैठ के देखा करते थे। सही है। हाँ सही बात है। हम चाहे कितने ही बड़े मुकाम पर क्यों ना पहुंच जाए, बचपन में कुछ छोटे छोटे अरमान ऐसे होते हैं जो दिल के किसी कोने को हमेशा घेरे रहते हैं। आप कह रहे थे ना क्रिकेट के अलावा अगर कोई करने का शौक है, कोई और स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स तो मतलब थोड़ा लाइट स्पोर्ट्स है, लेकिन ये करने का बड़ा शौक है और ये चीज मैं मिस करता हूँ। रूठे खाबों को ओए तेरी ओए 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 रोटी पता है, ये पता ही है। तो ये क्रिकेट से पहले रहा है कि क्रिकेट के बाद? सर ये क्रिकेट से भी पहला प्यार है सर। क्या बात है, क्या इसमें जो मजा आता था ना, क्योंकि इसमें डर भी था। देख क्रिकेट खेलने में इतना डर नहीं लगा, डर इसलिए नहीं लगा कि मम्मी ने इतना डांटा नहीं, पापा ने इतना डांटा नहीं, लेकिन पतंग खेलने में पापा डांटते थे। इसमें ज्यादा डांट पड़ी, ज्यादा डांट पड़ती है, क्योंकि इसमें आवारागर्दी के चांसेस भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो फिर वो जो मजा था ना उसके लिए मजा आता था, वो सारी चीजें ये आई डू मिस, मजा आता। आप ट्राई करिए, ये लीजिए पतंग, मैंने आपको चढ़ा दी है। जी जी जी, आप जाने दीजिए। अरे मारो सर, काटो मारो सर। अरे हाँ, अरे खींचो, आप एग्रेसिव नहीं है सर। मैं जाने दीजिए सर, मैं बिल्कुल एग्रेसिव नहीं हूँ, होना चाहता हूँ, लेकिन बच्चों को देख के डर रहा हूँ मैं। गया गई गया। अरे नहीं नहीं गई, नहीं गई, दीजिए दीजिए दीजिए। इरफान पठान के इस सफर से एक बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि गलियां कितनी भी तंग क्यों ना हो, हौसलों की बुलंदी तंग नहीं होती। मकान कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसमें रहने वालों के सपने मंसूबे छोटे नहीं होते। शुरुआत नन्ही हो तो भी कामयाबी बड़ी हो सकती है। एशियन पेंट्स हर घर कुछ कहता है मैं अगले हफ्ते एक और घर की रोमानियत और उसमें रहने वाले लोगों का सफर। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय।
ये थी इनके घर की कहानी। लॉग ऑन करें asianpaints.com/घर पे और हमें बताएं अपने घर की कहानी। आप जीत सकते हैं एशियन पेंट्स की तरफ से एक्साइटिंग प्राइजेस।